नमस्कार, मैं हूं विनीता। आइए नजर डालते हैं फटाफट 20 खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय मंच से धर्मेंद्र प्रधान ने केजरीवाल को दिया जवाब। 8 सितंबर को मोदी करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन, स्थापित होगी नेताजी की मूर्ति। अमेरिका के साथ तनाव के बीच रूस ने चीन संग मिलकर शुरू किया युद्धाभ्यास। पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका हुई खारिज, सुशील मोदी ने की जल्द गिरफ्तार करने की मांग। पीएम मोदी आज नौसेना को सौंपेंगे सबसे बड़ा विमान वाहक पोत, मेक इन इंडिया तहत किया तैयार। बारामूला में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। ट्विटर में आएगा एडिट बटन, लेकिन सिर्फ पेड यूजर्स के लिए। अदानी समूह के ऋण को इक्विटी में बदलने के स्पष्टीकरण दे आयकर विभाग, एनडीटीवी। झारखंड विधानसभा की विशेष बैठक, 5 सितंबर को हेमंत सरकार पारित करेंगे विश्वास प्रस्ताव। पंजाबी सिंगर निर्वीर सिंह की सड़क हादसे में हुई मौत, ऑस्ट्रेलिया में हुए कार एक्सीडेंट का शिकार। रोहित शर्मा को कप्तानी छोड़ने की सलाह मिली, पाकिस्तान के दिग्गज ने बताया उनको कमजोर। सऊदी अरब में नशे की 4.5 करोड़ गोलियां बरामद, 8 लोग गिरफ्तार। दिल्ली दनकौर के बीच फिर चली ट्रेन, कोविड काल में बंद कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश गैरकानूनी मदरसों पर होगी कार्यवाही, सरकार कराएगी सर्वे। हेमंत विश्व शर्मा के चेताया, मदरसों के देश विरोधी गतिविधियों का मिला इनपुट तो नहीं रुकेगा बुलडोजर। केजरीवाल सरकार ने जीता विश्वास मत, स्पोर्ट में मिले 58 वोट, वोटिंग से भाजपा का वॉकआउट। 5 से 8 सितंबर तक भारत की यात्रा करेगी बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के एक डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री मोदी समेत इन बड़ी हस्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया, भ्रष्टाचार में बताया लिप्त। आतंक को पालने वाले पाक की करतूतों से भारत ने किया बेनकाब। राम राज्य की आधारशिला को मजबूत करने की प्रथम भूमि है कर्नाटक, बेंगलुरु में बोले सीएम योगी।